नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। मैं राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र पढ़ाता हूँ। आज हम लोग स्नातक पाठ्यक्रम पर बातचीत करेंगे और सामान्य परिचय के बाद हम लोग पहला जो प्रश्न पत्र है नीति शास्त्र, उस पर बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उसके अलग अलग खंड कौन से हैं। और इतने ही नहीं, हम विद्यार्थियों के लिए ये भी काम करेंगे कि जो खंड हैं और जो उनका जो प्रश्न पत्र है उसमें जो दार्शनिक आ रहे हैं, जो नैतिक विचारक आ रहे हैं और जो नैतिक सिद्धांत आ रहे हैं, उनका भी सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं, मुख्यतः इस पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य से चर्चा करेंगे कि दर्शन शास्त्र क्या है, उसका विषय, उसका स्वरूप क्या है। यद्यपि इसके पहले हम लोगों ने एक लेक्चर बनाया है जो कि हमारे YouTube चैनल, विश्वविद्यालय के YouTube चैनल पर है वो, जिसमें हमने बहुत विस्तार से एक डेढ़ घंटे में बताया है कि दर्शन शास्त्र क्या है। विद्यार्थियों से यही अनुरोध होगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले संभव हो तो उस वीडियो को जरूर देख लें जिसमें हम लोगों ने विस्तार से दर्शन शास्त्र के बारे में बताया है। उसका एक लाभ ये भी होगा कि हम जो हमारी जो विषय सामग्री है जिस पर आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, उसे भी हमें समझने में सुविधा प्राप्त होगी। तो अब हम लोग देखते हैं ये दर्शन शास्त्र का स्नातक कार्यक्रम, इसकी उपयोगिता क्या है, इसको पढ़ने के बाद विद्यार्थी में कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, और फिर अंत में हम लोग पहला ही प्रश्न पत्र लेंगे नीति शास्त्र और उसके विभिन्न हिस्सों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। पहला है कि मुख्यतः मानवीय विद्या शाखा में संचालित UGPS दर्शन शास्त्र स्नातक कार्यक्रम। मुख्यतः दर्शन शास्त्र अगर संक्षेप में कहा जाए तो कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी विषयों की जननी कहा जाता है। तो संक्षेप में कहें कि जब भी हम किसी विषय के मूल स्वरूप के बारे में जानते हैं या मूल स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं तो वह दर्शन कहलाता है। इसी वजह से आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, चाहे वो गणित हो, पॉलिटिकल साइंस हो, समाजशास्त्र हो, जब भी हम उस विषय से संबंधित मूलभूत प्रश्नों पर आते हैं या मूलभूत प्रश्नों के आधार पर ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो प्रकारांतर में हम सब फिलॉसफी करते हैं। जैसे व्हाट इज मैथमेटिक्स, गणित क्या है, समाजशास्त्र क्या है, राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं, इस तरह के जो मूलभूत प्रश्न हैं वो मुख्यतः दर्शन शास्त्र की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। इस तरह सामान्य तरीके से देखा जाए, जैसा कि हम लोगों ने अपने पाठ्यक्रम में इसे बताया भी है, कि दर्शन को सभी विषयों की जननी कहा जाता है जो कि विद्यार्थी को किसी विषय संबंधित मूलभूत बातों पर तार्किक दृष्टि से सोचने की क्षमता प्रदान करता है। आइए हम लोग दर्शन शास्त्र स्नातक कार्यक्रम का सामान्य परिचय जानते हैं। इसमें जैसा कि अभी मैंने संक्षेप में बताया, किसी विषय के जो मूलभूत स्वरूप है उस पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो प्रखरांतर में हम लोग दर्शन शास्त्र की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। अब देखें, दर्शन को सभी विषयों की जननी कहा जाता है जो कि विद्यार्थी को किसी विषय से संबंधित मूलभूत बातों पर, अब देखते हैं हम लोग क्या है, किसी विषय से संबंधित मूलभूत बातों पर, दूसरा हिस्सा क्या है, तार्किक दृष्टि सोचने की क्षमता प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब यह कार्यक्रम, जब आप इस कार्यक्रम को समझेंगे या इस कार्यक्रम को विद्यार्थी पूरा करेगा तो हम क्या करेंगे कि मूलभूत दर्शन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं को हम लोग समझेंगे, साथ ही जिन अवधारणाओं ने आज तक मानव जीवन को प्रभावित और परिवर्तित किया है हम उसको जान जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि जब भी हम स्नातक दर्शन शास्त्र का पाठ्यक्रम पढ़ते हैं तो हमारे पास क्षमता क्या आ जाती है कि आज तक जितने भी दार्शनिक हुए हैं या जिन लोगों ने, जिन विचारों ने समाज को प्रभावित किया है, और प्रभावित ही नहीं, जिनके विचारों से बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए स्नातक कार्यक्रम में हमें एक तरह से हमारा अभ्यास भी हो जाएगा कि तार्किक दृष्टि किसी विषय पर बातचीत करने का, और साथ में जो भी अवधारणाएं आज तक विकसित हुई हैं, सभी अवधारणाएं नहीं, जैसे आप इतिहास पढ़ते हो तो हर राजा के बारे में नहीं पढ़ते हो, उन राजाओं के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने प्रभावी ढंग से समाज को प्रभावित किया है। तो उसी तरह दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग अवधारणाओं को देखते हैं, अवधारणाओं को जिन दार्शनिकों ने हमारे सामने रखा है उन्हें हम और विस्तार से भी समझने का प्रयास करते हैं।
आज ये पाठ्यक्रम का लक्ष्य बहुत सरल सा है कि भारत एवं विश्व में समृद्ध गौरवशाली दार्शनिक परंपरा चली आ रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम भारत के साथ ही विश्व स्तर पर, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ भारत के ही बात करेंगे, हमारा जो पाठ्यक्रम है भारत और विश्व दोनों की जो गौरवशाली परंपरा है उनको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। और साथ में क्या करना है कि विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों और दार्शनिकों का से आपका परिचय हो जाएगा। इस तरह से डिजाइन किया गया है स्नातक कार्यक्रम को कि कोई विद्यार्थी अगर इस कार्यक्रम को पूरा करता है तो उसे दुनिया भर में जो भी महत्वपूर्ण दार्शनिक संप्रदाय हैं उनके बारे में और दार्शनिकों से भी सामान्य परिचय हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, दर्शन से संबंधित मान्यताओं की जानकारी, और क्योंकि दर्शन शास्त्र का जो मूल स्वरूप है वो समीक्षात्मक है, आलोचनात्मक भी है। अगर आप इसके पहले वाले अगर वीडियो लेक्चर में देखेंगे जो विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर है, उसमें मूल लक्षण बताया गया है कि दर्शन शास्त्र का के प्रमुख लक्षणों में एक लक्षण ये भी है कि वह समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। इसलिए इस पाठ्यक्रम का लक्ष्य ये भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी में एक समीक्षात्मक दृष्टिकोण का भी विकास हो सके। फिर देखते हैं पाठ्यक्रम पूरा करने से सक्षम होगा, जाहिर सी बात है जब इस पाठ्यक्रम को हम लोग पूरा कर लेंगे तो दार्शनिक विश्व का ध्वंस दर्शन विभिन्न प्रतिमानों एक जो उसके आदर्श हैं उसके बाद भेद प्रभेदों के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी तथा शिक्षार्थी के अंदर तार्किक क्षमता भी विकसित हो सकेगी। यह जो अभी तक हमने चर्चा की प्रकारांतर में देखा जाए तो यूजी प्रोग्राम का एक सामान्य सा परिचय दिया गया जिसमें कि दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते समय हम किन किन बातों को जानेंगे। अब हम एक विशेष टॉपिक ले रहे हैं जो कि पहला ही पेपर है, नीति शास्त्र। जब भी स्नातक स्तर पर कोई विद्यार्थी अध्ययन करने आता है तो उसे जो पहला पेपर पढ़ना होता है वो नीति शास्त्र। अब हम लोग एक विद्यार्थी को ये समझ पैदा हो जाए कि हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस तरह से खंड और इकाइयों का बंटवारा किया गया है और किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आएंगे, उसी को समझाने के लिए हमने एक मॉडल के तौर पर पहला प्रश्न पत्र लिया है नीतिशास्त्र, जिसे कि हम लोग पहले उस विषय के बारे में समझेंगे फिर उसका हम लोग अलग अलग परिचय प्राप्त करेंगे। देखते हैं नीतिशास्त्र के प्रश्न पत्र का परिणाम। हम जब ये पहला पेपर पढ़ने जा रहे हैं कि उसका जो उद्देश्य अंतिम रूप में, अगर आपने इस प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से तैयार कर लिया और आपने जो भी दार्शनिक हैं उनका अध्ययन कर लिया और पाठ्यक्रम को पढ़ लिया समझ लिया और उसके बाद जब आप प्रश्न पत्र या परीक्षा की भी तैयारी कर लेते हैं, परीक्षा की तैयारी तो एक तरह से मूल्यांकन होता है, लेकिन अगर आपने गहराई से इस प्रश्न पत्र को पढ़ लिया है तो हमें पहला क्या होगा कि इस जो प्रश्न पत्र पढ़ने जा रहे हैं नैतिकता की मूल अवधारणाओं की जानकारी प्राप्त होगी। अब एक रोचक बात है कि नीति शास्त्र कहते किसको है। हर आदमी अपने को नैतिक होने का दावा करता है। दुनिया में आप हर किसी से भी मिलेंगे तो अपने को शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो स्वयं में स्वीकार करे कि मैं अनैतिक हूं। तो नैतिकता क्या है, व्हाट इज इथिक्स, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य ढंग से अगर देखा जाए तो नैतिकता को समझना बहुत सरल नहीं होता है। जैसे मैं कभी कहती हूँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने ड्यूटी का पालन कर रहा है, उसको जो ड्यूटी दी गई है वो उसका पालन कर रहा है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो नैतिक भी हो, सकता है कि वो नैतिक हो। जैसे अगर आप एक अधिकारी हैं और या आपके पास आप अधिकारी हैं और आपको ये लगता है कि आपको कुछ गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएँ शुरू हैं उन योजनाओं के लिए आपको सहायता देनी है और आपसे कहा गया जिसके पास कार्ड होगा आप उसी को सहायता देके, एक वृद्ध महिला आती जो गरीब है, आप पूरे लक्षण ऐसे हैं कि उसको सहायता मिलनी चाहिए लेकिन उसके पास कार्ड नहीं है, तो ड्यूटी ये कहेगी कि नहीं नियम ये है इसका पालन करना है, लेकिन इथिक्स बीच में आ जाएगा और नैतिकता ये कहेगी कि नहीं अगर उसके पास कार्ड नहीं भी है लेकिन अगर आपको लगता है और आप अधिकारी हो तो आपको उसको सहायता देनी चाहिए और बाद में उसके कार्ड बनाने की प्रक्रिया को आगे कर सकते हैं। इसलिए
नैतिकता चुनौतीपूर्ण हमेशा होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण और ले सकते हैं हम लोग कि अगर कोई बच्चा है, अगर कोई टीचर उसको डांट रहा है या बहुत मारता है पढ़ाई करने के लिए, तो क्या उसको नैतिक कहेंगे? ज़्यादातर टीचर जो बच्चों को दंड देते हैं वो कहते हैं कि मैं नैतिक हूँ। अब ये भी एक समस्या है कि बच्चे को मारना नैतिकता है या बच्चे को दंड ना देना नैतिकता है, ये भी एक डिवाइडिंग प्रश्न है। और ये आप हमारे बीच नहीं है, ये पूरी दुनिया में जहाँ भी जो भी समाज है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है कि नैतिकता का निर्धारण कैसे करें। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण है, एक बार एक छोटे से स्कूल में एक टीचर ने बच्चे को पीट दिया, दंड दे दिया, तो प्रिंसिपल ने बच्चे से पूछा कि भाई आपने इस बच्चे को क्यों मारा? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने इसके हित के लिए मारा है। और जब उसको डांट पड़ी दंड देने के लिए, तो टीचर इस तरह से बाहर निकला कि जैसे वो बच्चे का भविष्य सुधारना चाह रहा हो, लेकिन प्रिंसिपल उसमें बीच में आने आ रहा है। लेकिन समानता, अब यहाँ पर नैतिक प्रश्न कैसे तय हो, कौन नैतिक है? इसका एक छोटा सा, जब आप इथिक्स के पूरे पेपर को पढ़ लेंगे तो आप में क्षमता आ जाएगी कि नैतिक प्रश्नों का विश्लेषण करना और साथ में क्या सही नैतिक मूल्य हो सकते हैं इसकी स्थापना करना। जैसे इसी मुद्दे पर बहुत सरलता से अगर टीचर से पूछा जाए कि तुमने उस बच्चे को क्यों दंड दिया, तो उस टीचर ने जवाब दिया कि मैं इसको सवाल बता रहा था, मैं इसको बार बार बता रहा था कि ये छोटा सवाल नहीं जोड़ पा रहा था और मुझे गुस्सा आया, मैंने इसको मार दिया। इसका मतलब ये है कि आपने दंड क्यों दिया, बच्चे को सुधारने के लिए नहीं दिया है, बल्कि आप खुद परेशान हो गए थे इसलिए उसको दंडित किया। ये जब प्रश्न आप समझ जाएंगे तब आप सरलता से निर्धारित कर सकेंगे कि क्या बच्चे को दंड दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से नैतिक प्रश्न शुरू से ही हर समाज के लिए एक चुनौती बने रहते हैं। इसलिए इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम लोग नैतिकता को समझने का प्रयास करेंगे कि नैतिकता क्या है। सामान्य अर्थों में, यद्यपि आगे के अलग अलग लेक्चर्स में हम लोग विस्तार से देखेंगे, ऐसे नियम जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज का भला होता है या व्यक्ति और समाज का विकास होता है, ऐसे नियमों को नैतिक नियम के रूप में हम पहचानते हैं और इसका अध्ययन जो शास्त्र करता है वह नीति शास्त्र कहलाता है। तो सामान्य से ये परिचय में हम लोग देखते हैं कि हमें मूल अवधारणा की जानकारी प्राप्त होगी, फिर विभिन्न मानदंड क्या है। नैतिकता को मापने के कोई एक तरीका नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनौती हर समाज के साथ है कि नैतिकता के आदर्श है उसको हम लोग जानेंगे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई कर्म करो फल की इच्छा मत करो, इसे नैतिक मापदंड माना जाता है। इसी का उल्टा मापदंड आता है कि भाई अंत भला तो सब भला, परिणाम हर चीज तय करते हैं। अगर किसी काम का परिणाम अच्छा मिल रहा है तो उस काम को हम लोग नैतिक मानेंगे। अभी बड़ी समस्या है, कुछ फिलोसफर कुछ लोग दुनिया में कहते हैं ऐसे काम जिनको करने से हम ज्यादा सुखी होते हैं उन्हें नैतिक कहा गया है। तो ये एक चुनौती है आपके सामने। तो रोचक बात यह है कि जैसे ही आप ये पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तो आपको उन मापदंडों के बारे में पता चल जाएगा जिनसे नैतिकता का निर्धारण होता है, क्योंकि जो मापदंड हैं सरल नहीं है। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण बताया, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपको जीवन में मिल सकते हैं। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण अगर हम लोग लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसको भूख लगी है, ठीक, और वो किसी से जाके मांगता है कि मुझे आप खाना दे दो, और सामने वाला गुस्से में आता है और कहता है कि नहीं मैं इसका सर तोड़ दूंगा, और एक 5 का सिक्का उठाता और खींच के मारता है, निशाना चूक जाता है, उसे कंधे पर लगता है, 5 रुपये उठाता है और कुछ खा लेता है। इसका मतलब परिणाम अच्छा निकला। क्या परिणाम अच्छा निकला? कि उसकी भूख दूर हो गई। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस काम को नैतिक नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा जो जिसने फेंक के मारा है उसका उद्देश्य नैतिक नहीं था। इसका मतलब क्या है कि परिणाम भले अच्छा होगा लेकिन कभी कभी उद्देश्य तय करते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति है जो कि एक व्यक्ति पानी में डूब रहा है और दूसरा उसको बचाने का प्रयास करता है, बहुत मेहनत के बाद भी नहीं बचा सकता है, तो हर व्यक्ति ये कहेगा जिस बच्चे ने प्रयास किया बचाने का वो नैतिक है, भले ही परिणाम
अच्छा ना आया हो। तो इसी तरह हमारे में क्षमता आ जाएगी जो स्नातक के विद्यार्थी जब आप इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे कि आपको उन मापदंडों के बारे में बताया जाएगा जिनसे निर्धारण होगा। इसके साथ साथ कि मापदंड आते कहाँ से हैं, इसके लिए निश्चित तौर से भारतीय और पाश्चात्य चिंतकों को हम लोग पढ़ेंगे जिनके आधार पर हम ये जानेंगे कि जो भी नैतिकता के मापदंड पूरी दुनिया में स्थापित हैं उनके पीछे किन महान लोगों की बातें कही गई हैं। और फाइनली फिर भी देखेंगे नैतिक मूल्यों के बारे में। नैतिक मूल्य, अब जैसे हर आदमी मूल्य की बात करता है तो मूल्य का मूल्य कहते किसको है, कभी आपने सोच के देखा होगा? अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको ये लगेगा कि मूल्य को समझना भी एक जटिल प्रक्रिया है। सामान्य अर्थ में कहते हैं कि जिससे हमारे लक्ष्यों की पूर्ति होती है उन साधनों को मूल्य कहा जाता है। मूल्य का एक अर्थ कीमत भी होता है कि इसकी कीमत क्या है, मूल्य क्या होता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि हर व्यक्ति के लिए हर चीज़ मूल्यवान नहीं होती है। जैसे एक हम लोग यहाँ पर एक छोटी सी मूल्य को समझने के लिए एक कार्यक्रम था जिसमें यहाँ पर एक जस्टिस साहब उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे थे, मैं भी उनके साथ था। तो जैसे ही हम लोग उस प्रोग्राम, स्कूल के बच्चों का प्रोग्राम था, जैसे ही हम लोग ने प्रवेश किया उस ग्राउंड में, तब तक खूब सारे बच्चे दौड़ते हुए आए और दौड़ते हुए हम लोगों बगल से निकले और वहाँ पर 27-28 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था, सब उसके पैर छूने से घेर के खड़े हो गए। अब कल्पना करें कि एक मुख्य अतिथि के तौर पर एक जस्टिस आए हुए हैं, ठीक, एक वक्ता आए हुए हैं, लेकिन बच्चों के लिए वो मूल्यवान नहीं है। तो हमसे उन्होंने पूछा कि ये कौन होंगे, तो मैंने बताया कि ये जो सज्जन होंगे यहाँ पर, ये लगता है जो स्कूल के बच्चे हैं उनके टीचर हैं, स्पोर्ट्स टीचर हैं, या फिर ऐसे होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए मूल्यवान क्या है, उनके टीचर होंगे। इसी तरह जैसे जिसके लक्ष्य होते हैं उसके आधार पर वो चीज़ें मूल्यवान हो जाती हैं। तो मूल्य का ये भी एक अर्थ होता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है मूल्य किसी सामाजिक स्थिति को ही बताते हैं। तो कहते हैं ना, मूल्यों में गिरावट आ रही है, इसका मतलब मूल्य कोई ऐसी चीज़ है जो परंपरा से चली आ रही है। तो बहरहाल, तो इस पाठ्यक्रम को आगे हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद हमें क्षमता प्राप्त हो जाएगी कि हम मूल्यों की समझ विकसित करें और फाइनली नीति शास्त्र की प्रासंगिकता का भी ज्ञान हो जाएगा। और सामान्यतः देखा जाए तो दुनिया में हर व्यक्ति नैतिकता का पालन करता है। कोई भी व्यक्ति जब तक अपने को जस्टिफाई नहीं कर लेता है कि उसका ये काम नैतिक है, तब तक वो उस काम को करता नहीं है, भले वो तर्कों को ढूंढ ले अपने काम को सही ठहराने के लिए। इसलिए आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एथिक्स की। और इसकी प्रासंगिकता ये क्या है कि चाहे व्यक्तिगत पारिवारिक मामला हो, चाहे देश के स्तर का मामला हो, हर जगह यह नैतिक मूल्य आपके काम आते हैं। और जीवन और पढ़ाई में जो सबसे ज़्यादा डिबेटिंग मुद्दा, बहस का मुद्दा होता है, वो एथिक्स होती है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद हम उसकी प्रासंगिकता को भी समझेंगे। तो सामान्य से यह परिचय था जिस पहले प्रश्न पर, जब भी बच्चा स्नातक में आता है तो यही सोच के रखा गया कि जब नया बच्चा आ रहा है, क्योंकि यह विषय, जैसा मैं शुरू में बता दूँ, यह विषय 12वीं तक नहीं पढ़ाया जाता है। किसी भी पाठ्यक्रम में 12वीं तक दर्शन शास्त्र विषय नहीं है। इसके अतिरिक्त आप इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, इन सब विषयों से बच्चा परिचित रहता है, लेकिन फिलॉसफी ऐसा विषय है जो 12वीं तक ना होने की वजह से हर स्नातक करने वाले के लिए एक नया भी होता है, जिज्ञासा का विषय भी होता है। इसलिए पहला प्रश्न पत्र नीति शास्त्र को रखा गया है ताकि विद्यार्थी को दर्शन शास्त्र में रुचि भी पैदा हो, साथ ही वो जो विषय पढ़ रहा हो उसे वो आसपास उसकी प्रासंगिकता को भी समझे। अक्सर दर्शन शास्त्र के बारे में ये सामान्य से अवधारणा बढ़ती है कि ये कुछ मन की बात है या फिर ऐसी कुछ चर्चाएं होती हैं जिनका आम लोगों से संबंध नहीं है, लेकिन एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट फिलॉसफी के तौर पर मैं यही कहता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रासंगिक और हर समय जीवन में काम आने वाला जो विषय लगता है वो है फिलॉसफी। इसीलिए पहले पेपर के अंतर्गत हम लोग ये भी देखेंगे उस विषय की प्रासंगिकता क्या है। देखिए, यूजीपीएच जीरो निशास्त्र का पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत
हम लोगों ने ये देखा, सबसे पहले देखेंगे कि निजशास्त्र का परिचय और नैतिक निर्णय। किसमें निजशास्त्र की परिभाषा, जैसे कि शुरू में हम लोगों ने परिभाषा को देखा कि ऐसे नियम जिनका पालन करने से व्यक्ति और समाज का विकास हो, उन नियमों को हम लोग नैतिकता के अंतर्गत समझते हैं। सामान्य सा अवधारणा, जैसे अगर आप कभी कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, लेकिन अपने सीनियर को प्रणाम करो। सीनियर को प्रणाम करना नैतिक नियम क्यों है? क्योंकि इसका पालन करने से हमारा भला होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उल्टा करके देख लें, कोई सीनियर है उससे बदतमीजी से बात करें, आप देख लीजिए आपका भला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सिर्फ इस सेंस में नहीं कि आपको डांटा जाएगा, बल्कि ये कि अगर आपको पढ़ना है, आपको कुछ नई चीज़ें जाननी हैं, तो हमेशा आपके जो सीनियर मदद करते हैं। इसलिए कहा जाता है, नैतिक नियम क्या आ जाता है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो निजशास्त्र के ऐसे नियमों का ही हम लोग अध्ययन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका विषय क्षेत्र, इनके क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। मुख्यतः देखा जाए कि जैसे सामान्य से पूछा जाए कि अगर कोई टारजन है जो हमेशा जंगलों में रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई छोटा बच्चा है, तो मान लो छोटी बात पे बच्चे जो है वो जमीन पर लौटने लगते हैं, तो क्या उस पर नैतिक नियम लागू होते हैं? तब ये आता है कि नैतिक नियम किस पे लागू होंगे? समाज पे रहने वाले लोगों लागू होंगे। छोटा बच्चा वो नैतिक नियम, फिर और उसके साथ साथ क्या होगा, ऐसे लोगों पे नैतिक नियम लागू हो जाता है जो सामान्य मानसिक स्थिति में आते हों। फिर इसके अलावा क्या होता है, इसका जो विषय क्षेत्र आएगा निजशास्त्र का, इसके अंतर्गत वो सभी कर्म आ जाएंगे जो मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं, मनुष्य के आचरण का अध्ययन किया जाता है इसके विषय क्षेत्र के अंतर्गत। और आचरण में सभी मनुष्यों नहीं, सामान्य मनुष्यों का, छोटा बच्चा है उस पर हम अध्ययन नहीं करेंगे, कोई अगर जानवर है उस पर नैतिक नियम लागू नहीं हो सकता, कोई ऐसी बीमारी का शिकार है कि अचानक वह उसको चक्कर आ जाते हैं, तो अगर वह अचानक बीमारी की वजह से बबलाने लगता है, तो आप उसको उस पर नैतिक नियम लागू नहीं होंगे। इस तरह इसका मानव आचरण से संबंधित विभिन्न जो भी गतिविधियां हैं वो नीति शास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये जो पहला हिस्सा है इसके अंदर देखेंगे। फिर हम देखेंगे नैतिक निर्णय का विषय हेतु, अभिप्राय और परिणाम। जैसा मैंने शुरू में चर्चा किया था, इसमें हम लोग ये जानेंगे कि नैतिक निर्णय का आधार क्या साध्य होता है। साध्य का अर्थ क्या होता है कि क्या जो सोचकर आप काम कर रहे हैं वो तय करता है नैतिक निर्णय, ठीक। हेतु क्या है, फिर उसका आप क्यों कर रहे हैं, और या फिर उसका परिणाम तय करता है। ये जो डिबेट है इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे, और उसमें अलग अलग दार्शनिकों को देखेंगे। जो कुछ दार्शनिक कहते हैं परिणाम हर चीज़ तय करते हैं, कुछ दार्शनिक कहते हैं परिणाम नहीं तय करोगे, आपने क्या सोच कर क्या पाने के लिए कोई कर्म किया है इससे आपके नैतिक निर्णय प्रभावित होंगे। इसी क्रम में हम लोग की जो तीसरी इकाई है उसमें एक रोचक साध्य साधन का उल्लेख आएगा। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि साध के साथ साथ साधन की पवित्रता चाहिए, साध ही अच्छा नहीं होना चाहिए, साधन भी अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरे कार्ल मार्क्स जैसे चिंतक ये भी कहते हैं, अगर साध्य अच्छा है तो आप साधन कोई भी प्रयोग कर सकते हो। एक बड़ी रोचक लाइन आती है कि भाई अगर कोई बिल्ली चूहा मारती है, वो बिल्ली सफ़ेद है कि काली, से क्या फर्क पड़ता है, हमारा साध्य अच्छा है, हम कोई भी साधन अपना सकते हैं। इन दोनों सिद्धांतों, ये दो अलग अलग धाराएं हैं जिसमें हम लोग साध्य और साधन दोनों के संबंधों को समझेंगे, और फिर ये देखने का प्रयास करेंगे, मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे कि दुनिया में क्या तरीके से हम लोग नैतिक मापदंड के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें जुड़ा हुआ है संकल्प, तीन चीज़, संकल्प सुंदरता, नियतिवाद, अनियतिवाद। हम लोग जीवन में देखते हैं ना कि भाई सब भाग्य का खेल है, कहा जाता है, लोग कहते हैं पहले सब कुछ निर्धारित है, हमारे मनुष्य की कुछ नहीं चलती है। अब एक नई समस्या आती है, अगर सब कुछ पहले से निर्धारित है तो हमारे पूरे कर्म पूरे प्रयास बेकार हो जाएंगे। आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, हमें 80% नंबर आएंगे, लेकिन लोग कहते हैं अगर पहले से लिखा होगा तो चाहे जितनी मेहनत कर लोगे नहीं आएंगे। तो सही क्या है? तो नियतिवाद पहले से निर्धारित है। तो एक आएगा नियतिवाद और एक सिद्धांत आएगा अनियतिवाद। ये नैतिक मापदंडों के लिए एक अनिवार्य माना जाता है। फाइनली इसका जो आधार है वो आधार संकल्प की
स्वतंत्रता कहलाता है। संकल्प नैतिक निर्णय लागू किस पर होते हैं, तो हमें यह भी देखना है नियतिवाद अनितिवाद। लेकिन जो कोर है, इसे मैं कोर टॉपिक कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति नैतिक निर्णय उसी पर लागू होता है जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। जैसे मान लो एक चाय की दुकान पर आप गए, बच्चा जो है वो एक छोटा बच्चा चाय पिला रहा है 5-6 साल का। अगर आप उससे बच्चे को बुलाओ और डांटो कि यार तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, तुम यहाँ चाय पिला रहे हो, बहुत बेवकूफ हो, खूब डांटो, हर व्यक्ति कहेगा कि भाई उस बच्ची की गलती, 4-5 साल का बच्चा क्या निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है? हाँ, अगर वही उसका पिता दिख जाए तो आप पिता को सब बात कह सकते हो कि देखो छोटा बच्चा, इसको स्कूल जाना चाहिए, स्कूल ना भेज कर आप कर क्या रहे हो कि आप इससे काम करवा रहे हो। इसका अर्थ क्या हो गया कि संकल्प नैतिक निर्णय किस पे लागू होंगे, जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। छोटा बच्चा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, इसलिए उस पर नैतिक निर्णय लागू नहीं होंगे। पिता ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूं या फिर मैं उससे काम करवाऊं, तो इसका मतलब है कि निर्णय लेने स्वतंत्र है पिता, इसलिए उस पर यह नियम लागू होता है। तो यही संकल्प स्वतंत्रता नैतिकता का मूल आधार है। हम उन्हीं कर्मों के बारे में निर्णय कर सकते हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक लिए गए हों, और स्वतंत्रता पूर्वक उसके हम लोग उसमें देखेंगे, उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे आयाम हैं कि स्वतंत्रता ऐसा नहीं कि संकल्प स्वतंत्रता इतना सरल है, उसके लिए आप में क्षमता भी होनी चाहिए। क्षमता होते हुए भी कोई काम ना कर सके तब हम ये कहते हैं कि वह उसके निर्णय पर नैतिकता का निर्धारण हो सकता है। जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी ना कि आज के दौर में ईमानदार वही है जिसको बेईमानी करने के मौके नहीं मिल रहे। इसका मतलब कोई ईमानदार है कि नहीं है, इसका निर्णय कब होगा कि जब उसके पास मौका दिया जाए, जब उसके पास दो विकल्प हों, मैं चाहूं तो बेईमानी कर सकूं, मैं चाहूं तो बेईमानी ना करूं, जब ये कंडीशन होगी तभी जाकर आप उसको नैतिक या अनैतिक कर सकते हो। तो पहले खंड में हम लोग दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए इन मूलभूत बातों को देखेंगे। फिर है दूसरा चैप्टर होगा अंतःप्रज्ञावाद, नैतिक निर्णय के मापदंड के रूप में अंतःप्रज्ञावाद। अब देखिए ये अंतःप्रज्ञावाद, इसे समानता अंतरात्मा कहते हैं। हम सब देखिए सेकंड चैप्टर हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये जानेंगे। हम लोग कहते हैं ना कि हर व्यक्ति जो है दिल की आवाज सुननी चाहिए, मेरे मतलब जो दिल की आवाज है उसे माननी चाहिए, जो मेरे लोग लोग कहते हैं ना कि अपने अंतःकरण की प्रेरणा होनी चाहिए। महात्मा गांधी से बहुत सारे ऐसे महान लोग भी कहते थे मैं तो अंतः प्रेरणा से काम करता हूं। लेकिन रोचक बात यह है, हम इसका अध्ययन करेंगे, क्या नैतिक अंतः प्रेरणा पर आधार पर किया गया काम नैतिक होगा? क्या जो भी काम अंतः प्रेरणा से किए जाए वो सही होंगे? और रोचक बात यह पता चलेगी कि जरूरी नहीं है कि दिल की आवाज हमेशा सुनी जाए। कभी कभी आपने कहा ना, किसी से कहा कि भाई कोई जेल में बंद था, उससे पूछा गया क्या भाई, दिल ने कहा गोली मार दो, मैंने मार दिया, तो वो भी तो दिल की आवाज सुन रहा है, अंतःकरण। इसलिए हम लोग इसमें बहुत देखिए, फिलोसफर क्या है, हमने शुरू में परिभाषा बताई, किसी विषय के मूलभूत स्वरूप को जानना और उस पर तटस्थ ढंग से तार्किक रूप से सोचना। तटस्थ होंगे, तार्किक रूप से सोचेंगे कि क्या अंतःकरण की आवाज सही है। इसलिए हमारा दोनों चैप्टर हम लोग सोचेंगे मुख्यतः इसमें फिलोसफर बटलर मुख्यतः फिलोसफर हैं जिन्होंने अंतःप्रज्ञावाद को स्थापित किया है, और उसमें हम लोग समीक्षा के तौर पे देखेंगे, और साथ में अन्य दार्शनिक जिन्होंने अंतःप्रज्ञावाद को समझा है, और साथ में समीक्षा इसलिए बहुत जरूरी थी कि समीक्षा में हम लोग ये जानेंगे कि समीक्षा करके ही ये पता चलता है कि जिसे हम लोग नैतिक निर्णय का मानदंड मान रहे हैं वो सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपकी जो अंतःकरण की आवाज है वो आसपास के दबावों से प्रभावित हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा किसी मौके पर आपके मन ने ये कहा कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, लेकिन जैसी परिस्थितियां बदली अंतःकरण खुद ही कहने लगता है कि नहीं नहीं यार, ये उस समय मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। जैसे छोटा सा उदाहरण अगर देखा जाए कि मान लो मैं शाकाहारी हूँ, तो मैं एक बार देवरिया मेरे मित्र हैं उसकी शादी में गया था, और वो बाई चांस वो मित्र की जो मेन शादी के बाद जो
मुख्य, जिसमें परिवार के बहुत घनिष्ठ लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। वहाँ पर उस आयोजन में भी बैठा था, वहाँ मेरे अलावा सब सभी मांसाहारी थे। तो अब अंतःकरण क्या कह रहा है, अगर मैं उठ के यहाँ से भागता हूँ कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं ये है, तो माहौल खराब होगा। तो दिल की आवाज़ ने क्या कहा, अंतःकरण ने कहा भाई दोस्ती बड़ी चीज़ होती है, उठो मत, हल्का फुल्का चखते चलो ये कार्यक्रम अंतःकरण। ये मुझे एकदम याद है कि रात में जब उस कार्यक्रम से मैं बाहर आया तो अंतःकरण बदल गया, और अंतःकरण अब क्या आवाज़ आने लगी अंतःकरण की, अरे मना कर देते क्या क्या बिगड़ जाता, जो अभी तक नहीं खाया था तो क्यों खा लिया, घर के संस्कार क्या होंगे। तब मैं समझ गया था एथिक्स बेस सही पढ़ाई व समीक्षा कि अंतःकरण की आवाज़ का भी मूल्यांकन होगा। हम लोग ये देखेंगे ये वाय दबाव पर आधारित है या ऐसा भी होता है कि यह भीतर से पूरी तरह से नैतिक होती है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं कांकन निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत। जैसे इसके पहले जो बटलर जैसे दार्शनिकों ने यह सिद्धांत दिया कि भाई अंतः प्रेरणा से आधार पर जो आप काम कर रहे हो नैतिक होगा, इसी कड़ी में आते हैं कांट फिलोसोफर जो कहते हैं कि मुख्यतः परिणाम से चीजें तय नहीं होंगी बल्कि तय किससे होंगी कि आप क्या सोच के काम कर रहे हो। और इसी के अंतर्गत इस और देखा जाए तो पूरे दर्शन शास्त्र में वेस्टर्न फिलोसफी की जहां तक बात है उसमें सबसे बड़ा पाठ्यक्रम कांट का है। लोग कहते हैं अगर आपको ने कांट फिलोसफर को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो वेस्टर्न फिलोसफी की एक स्पष्ट समझ विकसित हो जाएगी। इसलिए पूरे फिलोसफी में स्नातक परास्नातक के दौरान जो तो सबसे अधिक प्रासंगिक पाश्चात्य दर्शन दार्शनिक आपको मिलेंगे वो होंगे कांट। कांट ने जो हमें पढ़ना है वो नैतिकता की पूर्ण मान्यताएं, इन्होंने कहा पूर्ण मान्यता का मतलब है कोई व्यक्ति नैतिकता का पालन कर रहा है या नैतिकता के बारे में निर्णय करने जा रहे हैं तो पहले से कौन किन चीजों का होना जरूरी है। तो इन्होंने तीन चीजों को माना जो हम लोग पढ़ेंगे। पहला, नैतिकता के लिए संकल्प की स्वतंत्रता का होना जरूरी है, संकल्प की स्वतंत्रता का होना जरूरी है कि भाई नैतिक निर्णय किस पे लागू होंगे, उसी पे लागू होंगे जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। दूसरा क्या लागू होगा इसके साथ साथ, इन्होंने कहा आत्मा की अमरता, अगर आत्मा अमर नहीं होगी तो व्यक्ति क्यों नैतिक होना चाहेगा, इसके लिए अमरता का होना आवश्यक है। जैसे भाई आज मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, कल को हो सकता है मैं एक अच्छा पेड़ लगाऊं और पेड़ हो सकता है कि उसका फल मैं ना प्राप्त कर पाऊं, तो कोई क्यों नैतिक रहेगा, या कोई बहुत आए उसको लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं इस जीवन में मुझे अच्छा फल नहीं मिल रहा है। इसलिए कांट कहते हैं अमरता का होना जरूरी, क्योंकि आत्मा अमर है तो एक आशावाद रहता है कि हम जो नैतिक काम कर रहे हैं वो आगे जाकर हमारे लिए बेहतर साबित होगा। इसके साथ साथ कांट ने बड़ा अच्छी बात कही, मान लो आपने संकल्प सुंदरता से युक्त हो गए, आत्मा अमर हो गई, लेकिन कर्म का फल कौन दिलाएगा, जैसा बाद में गीता है जैसा जो कर्म करेगा उसको फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो गीता ज्ञान आ कहां से रहा है, इसके लिए उन्होंने कहा ईश्वर का होना जरूरी है। अगर ईश्वर नहीं है तो इन तीनों, इन्होंने ये कांड की अपनी मान्यता थी संकल्प सुनता अमरता, इसको हम लोग देखेंगे। फिर सदिच्छा का सिद्धांत दूसरा टॉपिक है सदिच्छा का। सदिच्छा का मतलब ये होता है गुडविल कहा जाता है, जैसे कि आप अच्छे उद्देश्य के लिए अच्छे संकल्प के लिए, इसे सामान्य भाषा में शुभ संकल्प भी कहा जाता है, अगर आप शुभ संकल्प से काम कर रहे हैं तो आपके काम को नैतिक माना जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आएगा कर्तव्य के लिए कर्तव्य, इसे कहा जाता है ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कांट का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत कांट ने कहा है कि अगर कोई अपनी ड्यूटी का पालन कर रहा है, अपनी जो उसको काम सौंपे गए हैं नैतिकता पालन कर रहा है तो हम उसको नैतिक कह सकते हैं। तो इसे देखेंगे ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य सिद्धांत जब आगे चर्चा करेंगे। ये कुछ भारतीय संदर्भ में गीता के निष्काम कर्मयोग से मिलता जुलता है। और फिर उन्होंने कहा है निरपेक्ष आदेश, इसी का एक डेवलपमेंट वाला पार्ट है जिसमें उन्होंने अलग अलग निरपेक्ष आदेश के बारे में बताया है। उसमें उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो नैतिक जो शुभ संकल्प के आधार पर
कर्तव्य के लिए कर्तव्य जो हम लोग ऐसे कर्मों का पालन करते हैं वो निरपेक्ष आदेश है। निरपेक्ष का मतलब उसमें कोई भी आपके पास ये सुविधा नहीं है कि आप उसका उल्लंघन कर सको। इसलिए यहां तक कहते हैं बिना भावनाओं में बहे सिर्फ एक निरपेक्ष एक आदेश मानते हुए आप जब शुभ संकल्प के साथ काम करते हो तो उसे ही हम लोग सही ढंग से नैतिक काम मान सकते हैं। इस तरह कांड तीसरे खंड में हम लोग दार्शनिक कांड के नैतिक सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे। हाँ, फिर खंड चौथे में अब देखिए दो सिद्धांत आए। दो सिद्धांतों में हम लोगों ने इसको देखा कि जिसमें ये दोनों फिलोसफर अंतःप्रज्ञावाद और दूसरा कर्तव्य के लिए कर्तव्य कांट ये मानते थे कि परिणाम तय नहीं करते हैं, आप क्या सोच के काम कर रहे हो ये चीजें तय करती हैं। अब जो चौथे चैप्टर हम लोग रोचक यू टर्न लेगा सिलेबस और ये कहेंगे सुखवाद। नैतिक निर्णयों में सबसे बड़ा जो मापदंड आता है ऐसे काम जिनको करने से हमें सुख मिले ऐसे कामों को हम लोग नैतिक मानेंगे। तो यहां रोचक बात आएगी कि हम लोग इसमें सुखवाद को देखेंगे। ऐसा सिद्धांत जो मानता है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्रदान करने वाला सिद्धांत ही नैतिक सिद्धांत माना जाएगा और इसको हॉब्स जैसे फिलोसफर जिन्होंने मनुष्य की मूल अवधारणा के को समझते हुए कि प्रत्येक मनुष्य अपने हित के लिए काम करता है और अपने हित का संबंध है कि अपने को जितना कितना ज्यादा वह सुखी कर पा रहा है उसे हम लोग देखेंगे सुखवाद का परिचय। तो इसमें बता देंगे इसमें मुख्यतः हमें तीन फिलोसफरों को पढ़ना है। बेंथम का योगदान यह है कि बेंथम ने पहली बार व्यवस्थित तरीके से यह बताया कि प्रत्येक प्राणी अगर अपने सुख के लिए प्रयास कर रहा है तो वह अपने आप में नैतिक काम कर रहा है। ये बेंथम की मूल अवधारणा है और बेंथम ने सुखों को कोई भी गुणात्मक अंतर को नहीं माना। उन्होंने कहा हर सुख एक तरीके से है, व्यक्ति सामाजिक दबाव में कभी कभी नैतिक कामों को करता है लेकिन मुख्यतः सब सुख एक जैसा। तो यहां बेंथम से मिलेंगे। बेंथम के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मिल उसमें परिमार्जित करते हैं। इन्होंने इन्होंने मात्रात्मक रूप से सभी को एक माना कि सभी सुख एक जैसे हैं लेकिन इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया और बदलाव का आधार यह रहा कि इन्होंने गुणात्मक अंतर को भी मान लिया है। गुणात्मक अंतर को मानने का है कि सभी जो सुख हैं जरूरी नहीं है कि वो एक जैसे हों। जैसे मिल की बहुत अच्छी लाइन है, सामान्यतः लोग देखते हैं कोई कोई किसने कोई आविष्कार किया, उसने कोई चीज खोजी और खोजने के बाद वो बहुत खुश हो रहा है तो कोई आदमी कह सकता है इतना बेकार में खुश हो रहा है, इतना तो मैं खुश रसगुल्ला खा के हो जाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ। बेंथम की मानेंगे तो दोनों बराबर हैं, आविष्कार करने का आनंद और अच्छा खाना एक जैसा है, लेकिन मिल कहेंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ज्ञान का जो सुख है वो अलग है शारीरिक सुखों से अलग। इसलिए प्रसिद्ध उनकी लाइन है कि संतुष्ट सुकर होने से अच्छा है परेशान सुकरात होना। मतलब एक सुअर है, एक जानवर है, वो खा पी के मस्त रहता है, लोग कहेंगे उसका जीवन अच्छा है, नहीं, जो बौद्धिक जीवन है जो मानसिक सुख है बिन मिल ने उसे भी महत्व दिया, इसलिए उन्होंने सुख को थोड़ा सा परिमार्जित कर दिया। तो ये मिल का सुखवाद, इसको हम लोग अलग ढंग से देखेंगे। रोचक बात सिजविक का, सिजविक ने कल सुख ने सुखवाद को एक नए ढंग से परिभाषित किया। उन्होंने कहा यदि आप हमेशा सुख के लिए परेशान रहोगे तो सुखी नहीं हो पाओगे। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूं, अचानक कोई मुझे रोक के पूछे क्यों अतुल सर मजा आ रहा है पढ़ाने में, इसका मतलब पढ़ाने का आनंद खत्म हो जाएगा। कोई बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा हो, कोई अच्छी फिल्म देख रहा हो, अचानक आप उसे रोक के देखो क्यों फिल्म देखने में मजा आ रहा है, तो हम सबको पता है कि उसका आनंद चला जाएगा। इसलिए सिजविक ने इस पे पहली बार ये कहा कि अगर आप सुख के हमेशा दिमाग में सुख रखोगे, सुख का प्रयास करते रहोगे तो सुखी नहीं हो पाओगे। इस तरह इन नैतिक मापदंडों को हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ अब देखते हैं विकास, इसके अलावा नैतिक मापदंड के तौर पर हम लोग दो तीन सिद्धांतों को और देखेंगे। उससे विशेषकर एक विकासवाद सिद्धांत है जो ये कहता है, अब हम लोग देखा होगा डार्विन का आपने नाम सुना होगा। डार्विन ने एक विकासवाद की थ्योरी दी और उन्होंने कहा
कि जिस तरह विकास की प्रक्रिया में वह जानवर समाप्त हो जाएंगे जो इस पर्यावरण के अनुसार फिट नहीं हैं, उसी तरह विकास की प्रक्रिया में वो अंग खत्म हो जाएंगे जो मनुष्य के उपयोग के नहीं हैं। जैसे मनुष्य की पूंछ खत्म हो गई ना, क्योंकि हमारे स्वाभाविक जीवन उपयोग में नहीं है। पूंछ होती तो अभी बैठने में बड़ी दिक्कत होती है अलग अलग। या जो अभी अवतार फिल्म बनी है हॉलीवुड की, जब उनके डायरेक्टर से पूछा गया, तो एक फिलोसफिकल फिल्म है जो कि भारतीय दर्शन पर आधारित है, उन्होंने कहा जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी, हमारे जो हीरो थे, जो मनुष्य थे, उनकी पूंछ थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें उसी पर हुई। बहरहाल, तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो फिट होने की बात करता था। अब इसी डार्विन के सिद्धांत को स्पेंसर जैसे फिलोसफर ने नीतिशास्त्र पर लागू कर दिया। उन्होंने क्या कहा इथिक्स में, कि ऐसे नियम जिनका पालन करने से मनुष्य का विकास होता है उन्हें हम लोग नैतिक मान सकते हैं। लेकिन अंतर क्या था यहाँ, विकास का संबंध इनका डार्विन के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा जीवन जीने का मामला था। तो ये हम लोग इसमें देखेंगे, विकासवादी सिद्धांत को स्पेंसर पहली बार इथिक्स में लेकर आए, कि जिस तरह जो नियम प्राणियों पे लागू होते हैं, ये प्राणी की पूंछ गायब हो जा रही है, उसी तरह ऐसे नियम जिनका पालन करने से मानव समाज का हित हो रहा है वो गायब हो। जैसे हम लोग देखते हैं हिंसा, हिंसा कभी भी मानव समाज का हित नहीं कर सकती। देखिए समाज धीरे धीरे अहिंसक हो जा रहा है, कि मान लो जातिवाद, धार्मिक कट्टरता, ये सभी चीजें मानव समाज के विकास में बाधक हैं, देर सवेर इनमें कमी आना स्वाभाविक है। इसे हम लोग देखेंगे विकासवादी स्वरूप में। फिर आता है एक सिद्धांत पूर्णतावाद। कभी कभी हम लोग अपने जीवन में पूर्णता, कंप्लीटनेस, मनुष्य होने के नाते जो आपकी पूर्णता रहती है, मतलब मनुष्य के ऐसे गुण जैसे बौद्धिक, विशेषकर बौद्ध विचार, विचारशीलता, संयम, साहस, ऐसे गुण जब उनमें पूर्णता आती है, या ऐसे गुण जब इस पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन कामों को नैतिक माना जाता है। जैसे अगर पहला उदाहरण लें, कोई घर परिवार में कोई बच्चा ऐसा है, उसका ज़्यादा पढ़ाई लिखाई मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो अपने शरीर के प्रति बहुत ध्यान रख रहा है, वो सुबह दौड़ रहा है, अच्छा खा रहा है, वही चीज़ें खा रहा है जो शरीर को उपयोगी हो, तब भी लोग उसको कहते हैं हाँ नैतिक है, विकासवाद के, ठीक। लेकिन कभी कभी कोई बच्चा होता है शरीर ध्यान, लेकिन पढ़ रहा हो, खूब पढ़ाई लिखाई कर रहा हो, अपना बौद्धिक विकास कर रहा हो, तो भी उसे हमें हम लोग नैतिक मानते हैं। क्योंकि नैतिकता का एक मापदंड ये भी है कि मनुष्य होने के नाते जो गुण आप में दिए गए हैं आप उनको पूर्णता तक पहुंचा दें, तो ऐसे नैतिक नियमों को भी हम लोग अपने मापदंड में सम्मिलित करते हैं। तो पूर्णतावाद भी एक मापदंड के तौर पर हमारे सामने आता है। इसके मुख्य विचारक हेगल, ग्रीन और ब्रेडले हैं। इन तीनों दार्शनिकों ने मिलकर यह स्थापित किया है कि मनुष्य होने के नाते हमारे में कुछ मूल्य हैं, जो कुछ गुण ऐसे हैं जिनका उत्तरोत्तर विकास करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होता है, और यही मापदंड हमें नैतिक बनाता है। इसे हम लोग विस्तार से देखेंगे। जैसे हेगल ने विशेष तौर से इनका चिंतन किया। हेगल एक बुद्धिवादी दार्शनिक थे, प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। उन्होंने ये सिद्धांत सिद्ध किया कि बौद्धिक दृष्टिकोण से स्वयं का विकास आवश्यक है। इसी को हम लोग ग्रीन के सामान्य शुभ का सिद्धांत देखेंगे। इसमें उन्होंने कहा है कि मनुष्य का जो स्वाभाविक आचरण है, अगर वो सामान्य शुभ को प्राप्त करा रहा है, तो उसे हम लोग नैतिक मान लेंगे। और फिर ब्रेडले का सिद्धांत है समाज में मेरा स्थान और उसके कर्तव्य, माई स्टेशन माई ड्यूटी, माई स्टेशन माई ड्यूटी में कहते हैं हर व्यक्ति का समाज में एक हिस्सेदारी है। उस समाज में व्यक्ति रहता है और उसके अनुसार अगर अपने वो जो ड्यूटी है उसका पालन कर रहा है तो उसे वह नैतिक कह सकते हैं। इसे सामान्य तरीके से देखते, पर एक छोटा सा मान लो गार्ड भी है जो विश्वविद्यालय के गेट पे खड़ा है, वो अपनी ड्यूटी निभाने लगे, एक टीचर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वाइस चांसलर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, तो ये सब का एक स्थान है, उसके कर्तव्य है। अगर कोई कर्तव्यों को अवहेलना करता है तब जाके व्यवस्था गड़बड़ होती है, ऐसे कामों को नैतिक नहीं माना जाता। इस तरह अलग अलग मापदंड विकसित किए गए हैं। और फाइनली अंतिम जो खंड है, उस खंड 7 में हम लोगों ने ये रखा कि भारतीय संदर्भ में अलग से भगवद गीता को रखा गया है। इस खंड में हम लोग
देखेंगे अलग अलग ढंग से कि दर्शन शास्त्र में एक तो गीता का सिद्धांत, इसमें हम लोग देखेंगे कि और कहते भारत में जिसने भी जन्म लिया है, कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसने गीता पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, वो गीता के सिद्धांतों को आत्मसात कर लेता है। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने व्यंग करते हुए कहा है भारत के बारे में, यहाँ पर हर आदमी जो है वो गीता की वजह से दार्शनिक हो जाता है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, ऐसी चर्चा हुआ। मुख्यतः भगवत गीता कर क्या रहे, जैसे हम लोग मानते हैं कि भारत का एक सबसे बड़ा जो नीति शास्त्र है, इसे समानता माना गया है, यह कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक नैतिक ग्रंथ है। और नीति शास्त्र के अंतर्गत भगवत गीता का पूरी दुनिया में सर्वोच्च स्थान माना जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः हमें देखना होगा, मुख्यतः इसका भगवत गीता ये कहती है भाई मनुष्य के किसी भी कर्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए, लोक संग्रह, लोक कल्याण, लोक कल्याण लक्ष्य होना चाहिए। इस लोक कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी, हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करेगा, जिसका जो धर्म है, जिसका जो काम, जो ड्यूटी सौंपी गई है उसका पालन करना, जैसा कांड कह रहे हैं, बिरले भी कह रहे हैं, तो वो है ड्यूटी। तो चलिए स्वधर्म का पालन करेगा। स्वधर्म का पालन कब होगा, जब व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ होगा, भावनाओं में नहीं बहेगा, विचलित नहीं होगा। आप देखें अगर भाई जो बालो अर्जुन है, अर्जुन के सामने समस्या क्या आ गई थी, अर्जुन ने कहा मेरे भाई बंधु हैं, मैं उनको कैसे मारूंगा, तो वो विचलित हो रहे थे, स्थिति प्रज्ञ। और जो स्थिति प्रज्ञ भावना में नहीं बहेगा, वही निष्काम भाव से कर्म करेगा, निष्काम भाव, बिना कामना रहे, मेरी ये ड्यूटी है, मैं इसका पालन कर रहा हूं, फल जो होना चाहे होगा। इस तरह हम लोग भगवत गीता के दर्शन को संक्षेप में देखेंगे। अंतिम जो खंड है उसमें भगवत गीता को रखा गया है। इसके साथ साथ तो भगवत गीता के भिन्न सिद्धांतों को, नैतिक सिद्धांतों को, इसका चार, जैसे मैंने कहा लोक संग्रह, लोक कल्याण। लोक कल्याण कब होगा, जब हम स्वधर्म का पालन करेंगे। स्वधर्म का पालन कौन करेगा, जो स्थिति प्रज्ञ होगा, मतलब वो भावनाओं में नहीं बहेगा, अपनी इंद्रियों पर जिसका नियंत्रण होगा, और वही काम निष्काम कर, वही निष्काम कर्मयोगी के तौर पर आएगा। इसलिए फेमस जो प्रसिद्ध लाइन है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये बहुत चुनौतीपूर्ण पंक्ति हम सबके लिए रही है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कोई कर्म करे फल की इच्छा ना करे। तो यहाँ पर हम लोग इस पूरे सिद्धांत को समझेंगे कि निष्काम कर्म क्या है, स्थिति प्रज्ञता क्या है। इसके साथ साथ संक्षेप में पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थों के रखा गया है। जीवन में पुरुषार्थ, जो जो प्रयत्न करके जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने गए हैं। धर्म का संबंध यहाँ पर हम नैतिकता से कह सकते हैं, इथिक्स, ऐसे काम जो कि समाज के हितकर हों। धर्म, अर्थ, अर्थोपार्जन, बिना अर्थ का संग्रह होना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के काम नहीं चलता है। धर्म, अर्थ, काम, इसके बाद काम का अर्थ ये होता है कि जो भी शारीरिक इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करना काम में आता है। फिर मोक्ष आता है, फाइनली परम पुरुषार्थ मोक्ष को माना गया है। अंतिम स्थिति मोक्ष की आती है। मोक्ष भारतीय दर्शन में जब आप आगे पढ़ेंगे तो मोक्ष की अलग अलग अवधारणाएं हैं। सशरीर भी आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, गौतम बुद्ध निर्वाण मिल गया था, शंकराचार्य तो उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। एक अवधारणा विधेय मुक्ति की मिलती है, जब शरीर का अंत होता है तो मोक्ष मिलता है। तो इस तरह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष माना गया। आपने देखा महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे यहाँ जो अगर अर्थ भी हम लोग भारतीय परंपरा में लिखा जाता है शुभ लाभ, लाभ तो कमाना है आपको, अर्थ तो कमाना है, लेकिन उसके आगे शुभ जोड़ दिया गया। इसी तरह जो दो पुरुषार्थ हैं अर्थ और काम, ये भौतिक जीवन से संबंधित हैं, इनको बांधा कहाँ से गया है, अर्थ बांधा गया है धर्म और मोक्ष से। तो इस तरह ये पाठ्यक्रम का जो संक्षेप में हमने हम लोगों ने इसका परिचय जाना, जिसे हम लोग अब अलग आगे के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग एक एक खंड को लेकर आगे चर्चा करेंगे। तो आज अगर हम लोग दोबारा इसको रिकॉल करें पूरी चीज़ों को, तो हमने शुरू में दर्शन शास्त्र के एक सामान्य सी अवधारणा पर चर्चा की। फिर हमने देखा कि स्नातक कोई पाठ्यक्रम बच्चा कर रहा है तो उसमें किन किन तरह की योग्यताएं आ जाएंगी। फिर हमने देखा गया कि इसका परिणाम क्या होगा कि जब कोई बच्चा स्नातक प्राप्त कर लेगा उस पर तार्किक क्षमता आ जाएगी और वो देश और दुनिया के विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों को जान सकेगा। तो एक तो शुरू में स्नातक के पाठ्यक्रम का सामान्य परिचय दिया। फिर हमने प्रयोग के तौर पर शुरुआत यहाँ से की
कि नीति शास्त्र स्नातक पाठ्यक्रम का जो पहला पेपर है नीति शास्त्र है, उसके हम लोगों ने अलग अलग खंडों पर बातचीत की, 7 खंड, हर खंड में 2 या 3 या 4 इकाइयाँ हैं, जिस तरह के खंड उस तरह की इकाइयाँ हैं। हमने फिर उसके बाद में अलग अलग खंडों का और इकाइयों का परिचय प्राप्त किया है। तो अब इस आधार पर आपको जो अध्ययन सामग्री मिली उसके आधार पर आप उसको अपने रिवीजन कर सकते हैं, व्याख्या कर उसको समझ सकते हैं। अब आगे के लेक्चर में हम लोग नीति शास्त्र के अलग अलग खंडों के पर बातचीत करेंगे। इसके आधार पर अगर किसी विद्यार्थी को कहीं भी कोई असुविधा होगी तो प्रश्न भी पूछ सकता है। आज के लेक्चर के बाद अगर किसी विद्यार्थी में कोई जिज्ञासा भी होगी तो वह प्रश्न पूछ सकता है, हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। हम लोग देखेंगे कि नीति शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, इसे हम लोग अगले अपने लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद।